प्रिय विद्यार्थियों, भारत के संविधान में स्थापित राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा पढ़ने प्रारंभ की थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो अपना विषय है वो यह है कि मूलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारत के नागरिक को, उनमें और नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखित हैं, उनमें अंतर क्या है, उनमें अंतर क्या है, उस अंतर को आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों तथा भाग 4 में निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक के सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों में बड़ा भारी अंतर है। मौलिक अधिकार जहाँ नागरिकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें उनके सर्वांगीण विकास की शर्त कहा जा सकता है, वहाँ राज्य के निर्देशक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मनुष्यों के इस सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं। संविधान के विद्वान हुए गाडविल, उन्होंने कहा मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं। इनके द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इसके विरुद्ध यह बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। दोनों में मूलभूत अंतर है, मतलब देखो दोनों का उद्देश्य आप एक कह सकते हो, दोनों का उद्देश्य वेलफेयर है, कल्याण है, जनता का कल्याण, सबका कल्याण, लेकिन मौलिक अधिकार एक निषेधाज्ञा है। मतलब मौलिक अधिकार सीधी सीधी भाषा में ये कहते हैं राज्य को कि आप ये मत कीजिए, और निर्देशक सिद्धांत ये कहते हैं कि आप ये कीजिए। दोनों का मोटो एक ही है, उद्देश्य एक ही है दोनों का। दोनों का उद्देश्य यह है कि भाई जनता का कल्याण होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। भाई दोनों जो डाले गए हैं संविधान में वो इसीलिए तो डाले गए कि हमने एक वेलफेयर स्टेट को चुना है, हमने पूंजीपति राज्य नहीं बनाया है, हमने पूर्णतया मार्क्सवादी समाजवादी राज्य भी नहीं बनाया है, हमने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया है। और कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य को कुछ विशेष हिदायतें दी गई है कि भाई आप व्यक्ति को इतना तो फ्री छोड़िए, उसको बोलने की आज़ादी दीजिए, उसको अपने अनुसार अपने धर्म मानने की आज़ादी दीजिए, उसको अपने अनुसार भोजन करने की आज़ादी दीजिए, वस्त्र पहनने की आज़ादी दीजिए, तो जेंडर में मतलब डिफरेंस मत कीजिए स्त्री पुरुष में, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने ये डाला है कि राज्य को कि आप ये कीजिए, क्योंकि दोनों को मिला करके हमें बनाना तो एक कल्याणकारी राज्य है। तो आज की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है, जहाँ मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू हो सकते हैं वहाँ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं हो सकते। ये बेसिक जो डिफरेंस है, मेन जो अंतर है इन दोनों के अंतर्गत, वह फंडामेंटल राइट जो है वो वाद योग्य है और ये दूसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाद योग्य नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस राज्य के द्वारा या राज्य के किसी संस्था के द्वारा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, तो न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। और अगर राज्य की सरकार के द्वारा, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक में जो लिखा हुआ है उनका अगर वॉयलेंस किया जाता है तो किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भाई दबा अगर चुनौती दे भी दो तो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए उस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो चुनौती खारिज हो जाती है। जैसे आपको एक उदाहरण देके मैं समझाने का प्रयास करूँगा, भाई जैसे कि वनों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जानवर या उनमें रहने वाले आदिवासी,
अब मान लीजिए सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आती है कि भाई हमें यहाँ पे ये फैक्ट्री लगानी है, तो हमें यहाँ पे जो लोग हैं इनको विस्थापित करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा इनको। अब इसमें कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य का ये पहला काम ये होता है कि यहाँ से जो विस्थापित होंगे उनकी अन्यत्र व्यवस्था की जाए, उनकी जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें छूट रही है, तो उनको एक घर दिया जाए बना करके, उनको आजीविका के लिए रोज़गार दिया जाए। अभी देखिए विद्यार्थियों, बड़ी कंट्रास्ट वाली बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज जो नक्सलवाद पनप रहा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले, महाराष्ट्र के कुछ ज़िले हैं, नक्सलाइट जो हैं, नक्सलाइट क्यों आ रहे हैं, क्यों बन रहे हैं नक्सलाइट, इसके पीछे जो मेन कारण है वो यही है। हालांकि बाद में इन नक्सलाइटों ने अपना ये पैसा बना लिया है सरकार को तंग करना, सरकार को दबाव में लेना, लेकिन मेन शायद कारण खोजने का अपन प्रयास करें तो यहाँ भी अपने को जाना पड़ेगा कि आदिवासी जो है, जो जल, जंगल और ज़मीन, ये इनके लिए पूजनीय होते हैं। अब इनका ये नए नए प्रोजेक्ट्स के नाम पे ये इनसे लेते जा रहे हैं और इनके विस्थापन की पूरी व्यवस्था नहीं कर रहे, तो फिर इनमें असंतोष पनप रहा, सरकार इनकी सुन नहीं रही, तो ये विद्रोह कर रहे हैं और उसको नाम दिया है नक्सलाइट का। अब सरकार में देखो कई बार कन्फ्यूजन होता है, कई बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नक्सलवादी भटके हुए लोग हैं, मतलब दे आर नॉट ए टेररिस्ट, दे आर ओवर सिटीजन, वो हमारे नागरिक हैं, भटके हुए हैं वो। तो ये पॉलिसी बनाने में कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, पूरी चीज़ एडोप्ट नहीं, पूरी चीज़ सेट नहीं हो पा रही, तभी ये समस्या आ रही है। इंडस्ट्री का कोई क्यों विरोध करेगा, जब सरकार ऐसी नीति बनाए ना कि जो इंडस्ट्री बनेगी उसमें 50% वहीं के लोकल लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, जिस जंगल से, जिस बीहेड से, जिन आदिवासियों को उठाया जाता है उनकी रोज़गार की सुरक्षा की जाए उस इंडस्ट्री में। पर शायद नहीं करती, इसलिए असंतोष होता है। तो ये एक तरह का मतलब उदाहरण है जो कि अपन समझ सकते हैं। दूसरा जो अंतर है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस रूप में नकारात्मक ही कि राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसके प्रतिकूल नीति निदेशक सिद्धांत राज्य के को किन्हीं निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है, मतलब फंडामेंटल राइट वाला जो पोर्शन है वो ये कहता है राज्य को कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप इसके धर्म में दखल नहीं दे सकते, आप इसके भोजन करने में दखल नहीं दे सकते, आज की इसकी शिक्षा में दखल नहीं दे सकते, आप इसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दखल नहीं दे सकते, मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला पोर्शन क्या कहता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ये पॉजिटिव बात है। तो ये एक तरह के वो नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। नेक्स्ट जो है, जहाँ मौलिक अधिकारों के द्वारा राज्य लोकतंत्र की स्थापना की गई है वहीं निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। देखिए मौलिक अधिकारों के द्वारा एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत ये कहा गया राज्य से कि आप सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, सबको रोजगार दीजिए, सबको आजीविका के साधन दीजिए, सबको शिक्षा दीजिए, सबको स्वास्थ्य दीजिए, मतलब सबको लगभग सिमिलर लाने का प्रयास कीजिए। तो आर्थिक लोकतंत्र होगा ना, और फंडामेंटल राइट के द्वारा एक राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। तो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने फंडामेंटल राइट से स्थापित की है और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करने का प्रयास किया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। अब विद्यार्थियों प्रश्न ये आता है कि क्या हम इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित कर पाए, तो इसमें मेरा जवाब होगा नो नो नो। क्यों? क्योंकि हमने नहीं प्राप्त की इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आज भी हिंदुस्तान में लगभग 1% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है, 90% प्रॉपर्टी है। आज भी महिला शिक्षा का परसेंटेज अपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। आज भी बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। अब ये कौन देगा इनको रोजगार? जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को देना चाहिए इनको रोजगार। ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिनसे रोजगार मिले। जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक कुछ होगा भी नहीं, कभी कुछ नहीं हो सकता। तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना अपने यहाँ पर नहीं हुई है, सरकार को प्रयास कर रही है, करने चाहिए। लेकिन पिछले कालांतर में जो चीज़ें हुई है पिछले 10 से 12 साल 15 साल में, नॉट इन ओनली मोदी जी की सरकार बट आल्सो इन द मनमोहन सिंह की सरकार, इस सब में उन्हीं नीतियों को मतलब एक तरह से आगे बढ़ाया गया है जिनसे कि पूंजीवाद का विस्तार हो। तो राज्य का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो ये कहती है कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति बराबर आए, उसको भी रोजगार मिले। आज देखिए आप समाज में घूमिए, अभी तो स्थिति और भी विकराल है आफ्टर द लॉकडाउन इन द पेंडेमिक ऑफ कोरोना। हाउ मैनी पीपल इज एन अनएम्प्लॉयड? एक छोटी सी बस्ती का सर्वेक्षण करके देख लीजिए आप। एक छोटी सी बस्ती में मान लीजिए 100 घर हैं, 100 घरों में कितने लोगों के पास रोजगार है? रोजगार के आप अलग अलग पैमाने लीजिए, एक तो स्थाई नौकरी, एक अस्थाई नौकरी, और एक डेली की डेली कमाने खाने वाला, और एक नरेगा मजदूर, और एक मिस्त्री, ऐसे करिए आप। ये जो आपके डाटा हैं ये 50 से 70 लोगों तक फिल हो जाएंगे, 30 लोगों के बारे में कोई भी डाटा नहीं है आपके पास। क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं, ये डाटा ये होना चाहिए। हमें 75 साल हो गए आज़ादी हुए, 75 ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वी आर नॉट शुड बिकम द डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयड। What is this? This is the failure of the state. क्यों? What is the reason behind this? The reason is absolutely कि हम लोग बेवकूफ हैं। हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं, हम हिंदू के नाम पे वोट देते हैं, मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं, हम जाति के नाम पे वोट देते हैं कि ये मेरी जाति का है, मैं इसको जिताऊंगा। क्यों भाई? सांसद बन रहा है वो कोई जाति का सरपंच थोड़ी, जाति का पंच थोड़ी बन रहा है कोई। MLA MP बन रहा है वो कोई मंदिर का पुजारी थोड़ी बन रहा है। क्यों नहीं देते ऐसे लोगों को? हमारा सिस्टम ही मतलब ऐसा हो गया पूरा। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया किताब आई है, रजनी कोठारी जी की, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स द थर्ड वर्ल्ड परस्पेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उसको अपन पढ़ें तो अपने को पता लगेगा। तो ये फंडामेंटल राइट और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मौलिक अंतर है। नेक्स्ट अंतर देखिए आप, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व जबकि निर्देशक सिद्धांत व नैतिक आदेश हैं। G.N. जोशी साहब ने लिखा है कि इसी कारण लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मानवीय आदर्शवाद के ढेर हैं जिन्हें ऐसे व्यक्तियों ने संग्रहित किया है जो दीर्घकालीन स्वातंत्र्य संघर्ष के पश्चात स्वप्निल भावातिरेक की स्थिति में है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल स्थिति में प्रवर्तन काल के लिए स्थगित किया जा सकता है जबकि निदेशक तत्वों का जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से स्थगन की अवस्था में रहते हैं।
देखिए वही वाली बात है, निषेध और प्रतिषेध वाली, नेगेटिव और पॉजिटिव। भाई फंडामेंटल राइट वाला जो पोर्शन है भाग तीन का आर्टिकल 14 से 32 तक का, उसको मान लीजिए अपने यहाँ पे आपातकाल लग जाए आर्टिकल 352 के तहत, हमारे ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या आंतरिक ग्रह छिड़ जाए, उस टाइम भारत का प्रेसिडेंट ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि सस्पेंडेड पार्ट थर्ड राइट्स, तभी वो मतलब स्थगित होते हैं, अन्यथा वो हमेशा हर स्थिति में जारी रहते हैं। 356 में भी जारी रहते हैं, 360 में भी जारी रहते हैं, जो आपातकाल के प्रावधान है 356 में जारी रहते हैं फंडामेंटल राइट, 352 में स्थगित हो जाते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो हमेशा ही स्थगित रहते हैं, वो तो पढ़े किताब के रूप में, एक तरह के निर्देश के रूप में, आप उनको मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी कोई ठीक नहीं है। इस तरीके से फंडामेंटल राइट स्थगित किए जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार सदैव स्थगित ही रहते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध है, जबकि निर्देशक तत्वों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो एक उसी बिंदु को मतलब बार बार एक तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों में महत्व संबंधी भेद भी है। हमारे मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। इसी आधार पर कुरेशी बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों ने यह विचार प्रकट किया कि राज्य को चाहिए कि वह निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानूनों से मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उनकी सुरक्षा संबंधी धाराएं निरर्थक समझी जाएगी। लेकिन प्रारंभ से ही एक वर्ग का विचार था कि नैतिक सिद्धांत कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। बी एन राव ने संविधान निर्माण के समय स्पष्ट कहा था कि संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अथवा जनहितकारी व्यवस्थापन संभव नहीं हो सकेगा। संविधान का चतुर्थ संशोधन अधिनियम प्रस्तुत करते हुए नेहरू ने कहा था कि जहां कहीं किसी मौलिक अधिकार एवं निर्देशक सिद्धांत में परस्पर विरोध हो, वहां निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी जानी चाहिए। मतलब इनका इम्पोर्टेंस तो है संविधान में, इससे तो नहीं कह सकते अपन, जैसे इसकी आलोचना में हमने कहा कि ये स्थगित ही रहते हैं, वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को छोड़ देंगे हम, स्टेट छोड़ देगा इसको, तो अकेले मौलिक अधिकारों से काम नहीं चलेगा भाई। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आज समाप्त आप मानिए। अब कल किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे, नई बात करने। ओके, थैंक यू। आप लोग देखिए इन वीडियोज को, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, क्लास वाइज BA सेकेंड ईयर का बना रखा है, MA फाइनल का बना रखा है, उसमें आप क्वेश्चन लिखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जब कॉलेज लगे तब कॉलेज जाके कंसल्ट कीजिए। जितना इन सीमित साधनों से हम आपको दे सकते हैं उतना देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।